दिल्ली NCR में बारिश की वजह से शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, 8 घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज मेदांत अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, CISF और NDRF की टीमें मौके पर राहत बचाव में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। इस दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए। इस दौरान यह खड़ी कारें बीम में दब गई। IGI एयरपोर्ट की DGP उषा रंगनानी ने बताया कि डिपार्चर गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक टर्मिनल 1 के बाहर शेड गिर चुकी है, जिसमें करीब 4 गाड़ियों को हानि पहुंची है। इसके अलावा बाहर निकाले गए एक व्यक्ति की मौत पहले ही हो चुकी थी।